1996 उपचुनाव में दो राजनीतिक घरानों की बहु बेटी आमने सामने। अपना दल और सपा के बीच सीधी 96 उपचुनाव में अपना दल एस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी। इस सीट पर 10 मई को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में 96 और 60 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मिर्जापुर स्थित 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है। इस सीट पर नामांकन की तारीख 20 अप्रैल तक ही थी। नामांकन के बाद 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच भी पूरी हो गयी, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है। 96 विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। हालांकि अभी नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन अब बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस की रिंकी कॉल और सपा की कीर्ति कॉल मैदान में है। वहीं कांग्रेस से इस उपचुनाव में अजय कुमार उम्मीदवार है। इसके अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के शिव पूजन भी उम्मीदवार हैं। हालांकि राजनीतिक में जानकार मानते हैं कि मुकाबला अपना दल और सपा के बीच ही होगा। इस सीट पर दो राजनीतिक घरानों की बहु बेटी में सीधी टक्कर होगी। यहां अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी सिंह के ससुर पकौड़ी कॉल वर्तमान में मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दूसरी ओर सपा प्रत्याशी कीर्ति कॉल के पिता भाई लाल कॉल 96 विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन बीते चुनाव में अपना दल ऐसे दिवंगत राहुल कॉल ने जीत दर्ज की थी। अब उनकी पत्नी रिंकी कॉल फिर से इस सीट पर उम्मीदवार हैं। इस सीट पर राहुल कॉल के निधन की वजह से, उनका निधन बीते साल मुंबई में हुआ था। तब राहुल कॉल लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अब इस सीट पर 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का समय है, जबकि यहां 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को निकाय चुनाव के साथ ही उपचुनाव के भी नतीजे आए। बता दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव भी हो रहा है।